हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड एड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन को लेकर जो कि सी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है 2019-2021 सेशन को लेकर क्योंकि लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उनको तो प्रमोट कर दिया गया था ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड और इस साल का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया है जो कि आज फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है जिसका एग्ज़ाम कोड था आज के पेपर का थ्री जीरो वन पेपर का नाम था क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल थोड़े से आज चेंजेस थे एग्जाम में जो कि आने वाले एग्जाम में भी दिखेंगे पहली चीज तो इसमें जो टाइम था आज टाइम वन एंड हाफ आवर का हो चुका है जो कि कम कर दिया गया है तो आइए डिस्कस करते हैं इसके आ, सेक्शंस को क्या क्वेश्चन आए हैं कितने ऑप्शनल थे क्या चॉइसेस थे सभी को डिस्कस कर लिया जाएगा तो सेक्शन ए में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए थे जिसमें किन्हीं भी हमें दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था और एक क्वेश्चन बारह मार्क्स का था यानी कि पहला सेक्शन चौबीस नंबर का था अगर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस इन डिटेल मीनिंग नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ पूछ लिया था आवश्यकता और उसके महत्व को विस्तार से समझाइए देन इसी के ऑप्शनल में जो दूसरा क्वेश्चन रखा था इन्होंने व्हाट इज ऑटिज्म और उसकी हाइलाइट्स पूछे थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे, थे चिल्ड्रंस के अंदर देन सेकेंड क्वेश्चन uh, इसमें पूछा गया व्हाट इज कॉपरेटिव लर्निंग एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट प्रिंसिपल्स हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस यानी कि सहयोगी अधिगम क्या है और इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं इनकी क्या विशेषता है देखिए सेक्शन में केवल दो ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे इसके रेस्पेक्ट uh, में क्वेश्चन ऑप्शनल में दिया है डिस्कस इन डिटेल क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन क्लासरूम मैनेजमेंट पूछ लिया देन लास्ट क्वेश्चन जो इसमें आया डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेट इन फैसिलिटेटिंग इनक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए और जो इसके जो ऑप्शनल था इसके साथ डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजन फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन तो ये यह हमारा यहाँ फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है यानी कि इसमें आपके तीन क्वेश्चन पूछे गए थे कुल मिलाकर उसमें छह क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें से कोई भी दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे नेक्स्ट uh, uh, जो इसका सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर्स थे उसमें भी सेम वही था कि कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन देन फिफ्थ क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन सिक्स मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड सेवंथ पीयर ट्यूटरिंग एंड क्वेश्चन नंबर एट वेब लर्निंग नाइन्थ फोर क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल टेंथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट्स एंड इलेवेंथ इज रोल ऑफ एनसीआर इन टीचर्स ट्रेनिंग एनसीआरटी का क्या रोल है टीचर के प्रशिक्षण में यानी कि कुल मिलाकर यहां पर आपके चार से लेकर ग्यारह तक यानी कि आपके कितने सात क्वेश्चन आठ क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से हमें कोई भी दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे यानी कि टाइम को लेकर कोई इतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आई क्योंकि दो क्वेश्चन लॉन्ग अटेम्प्ट करने थे और दो क्वेश्चन हमें शॉर्ट अटेम्प्ट करने थे देन इसके अलावा जो थर्ड सेक्शन था वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे जो ट्रू फॉल्स और फ्लप्स के फॉर्म में था उसमें से भी कोई चार ही अटैम्प्ट करने थे जैसे कि पहला क्वेश्चन था ये देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटार्डेड एंड द बैकवर्ड चिल्ड्रन ये ट्रू और फॉल्स पूछ लिया था देन थर्ड में र्थोपैटिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाइड बाई देयर बिहेवियर क्या अस्थि बाधितों की पहचान उनके व्यवहार से की जा सकती है तो ये ट्रू या फॉल्स हमें इसमें बताना था देन uh, जो फोर्टींथ क्वेश्चन था देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसमें भी हमें ट्रू या फॉल्स बताना था देन फिफ्टींथ इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ये फिफ्टींथ था और सिक्सटीन क्वेश्चन जो था ब्रेल वॉज डेवलप्ड बाय लुइस तो ये हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे बाकी इसमें uh, कुछ फ्लप्स आ गए थे जैसे स्टीमरिंग इज ए टाइप ऑफ डैश डिसऑर्डर फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वॉज को टीचिंग मीन एंड ट्वेंटी क्वेश्चन था इसमें रिकमेंडेड रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वेलिटी ऑफ वुमेन वॉज डन बाय यानी कि महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की संतुति डैश ने की देन इसके अलावा जो ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन था हेल्थ इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन डैश स्कूल्स तो कुल मिला के ये आज का पेपर था फर्स्ट पेपर हो चुका है जो कि 20 जुलाई को ऑर्गेनाइज हुआ है और बाकी ट्वेंटी सेकेंड को नया पेपर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर आया है ठीक है अभी कोई हमने उसमें सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कराया उनके लिए कोई सेपरेट वीडियोस बना लेंगे अभी जस्ट एक बस आपको पेपर का एक आइडिया दे दिया है कि आज का पेपर क्या आया था ओके आई होप के वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस